दिल्ली की सड़कों को बनाएंगे खूबसूरत, 15 और फ्लाईओवर का करेंगे निर्माण। आश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण कर बोले केजरीवाल। आश्रम डीएनडी एक्सटेंशन फ्लाईओवर का सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार की योजना की भी चर्चा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी और उसे खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने रिकॉर्ड समय में फ्लाईओवर का काम पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी को बधाई दी और कहा कि अभी कुछ काम बाकी रह गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन वायर हटाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि वायर हटाए जाने के बाद भारी वाहनों के लिए भी फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि हमारी सरकार से पहले तक दिल्ली में 74 फ्लाईओवर बने थे, हमारी सरकार ने 27 फ्लाईओवर बनवाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में 15 बड़े फ्लाईओवर बनाने की योजना है जिसमें डबलिंग और एक्सटेंशन भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर छापेमारी को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां काम नहीं करने दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि जनतंत्र तो तभी आगे चलेगा जब सभी मिलकर काम करेंगे। जिसकी जहां सरकार है उसे वहां काम करने दिया जाना चाहिए।